गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है वो मेनली कॉटरी मशीन पे है। आपने अगर ओटी में कभी काम किया होगा तो आपने कॉटरी मशीन ज़रूर देखी होगी। इसका जो रोल है सर्जरी के लिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और कॉटरी मशीन जो है एक तरह की फिजिकल थेरेपी ही है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो इलेक्ट्रिक करेंट होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करेंट यानी एसी करेंट का यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एसी करेंट यानी अल्टरनेटिंग करेंट का। इसके जो साइंटिस्ट हैं वो नेगल स्मिथ हैं, जो कि इनका आविष्कार किए थे जो ये कॉटरी मशीन है। कॉटरी मशीन के दो मोड होते हैं, मोनोपोलर बाईपोलर। मेनली हम लोग इसको सीखते हैं कि किस तरह से इसे ऑन करते हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो मेनली ये कॉटरी मशीन है, इसका जो कनेक्शन है वायर का वो यहाँ से है, ठीक है। और ये हमारी मशीन जो है वो ऑन है। अब इस मशीन को ऑन करना है तो हमें यहाँ से इसे ऑन करना होता है। ये ऑन होता है तो यहाँ लाइट जलती है और इस तरह का यहाँ से साउंड आएगा, ठीक है, टैंट है घर के। ये हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बाईपोलर के लिए है और जो सेकंड पे है वो मोनोपोलर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मोनोपोलर पे करेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और मोनोपोलर पे कर दिया सेटिंग। मोनोपोलर पे क्या होता है कि यहाँ पे ड्राई कट पे है, ये देखिए ये हमारा ड्राई कट पे है और यहाँ पे नीचे में वाट दिखाता है, इफ़ेक्ट दिखाता है। यहाँ पे आप इस तरह से करके और जो भी इसका मोड सेलेक्ट करना है, हाई कट, ऑटो कट, ड्राई कट, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर रिटर्न होने के लिए है। फिर यहाँ पे अगर कोगुलेशन में अगर आपको चेंजेज करना चाहते हैं, सॉफ्ट कोगुलेशन या फिर स्विफ्ट कोगुलेशन, तो आप इस तरह का जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप रिटर्न हो जाइए। तो ये मेनली है अगर इफ़ेक्ट को ज़्यादा कम करना चाहते हैं। ये हमारा दो पे इफ़ेक्ट है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे से घटा सकते हैं, फिर यहाँ से रिटर्न हो सकते हैं। फिर ये हमारा है कि अगर हम लोग इधर कट का अगर इफ़ेक्ट कम करना चाहते हैं तो इसका भी कम करने के लिए यहाँ से ये कम करेंगे और यहाँ से ज़्यादा करेंगे। तो इसे फिर रिटर्न करना है तो यहाँ से रिटर्न करेंगे। अगर वाट है जो इसका पावर है उसे कम ज़्यादा करना है, ये मेनली अभी 45 पे है तो इसे कम ज़्यादा करना है, तो ये हमारे बढ़ाने के लिए है, ये घटाने के लिए, और रिटर्न होने के लिए यहाँ से पॉइंट है और यहाँ से भी हम लोग रिटर्न हो सकते हैं। तो मेनली यही हमारा जो है मोनोपोलर का और बाईपोलर का है। तो बाईपोलर में मेनली कोगुलेशन होता है और मोनोपोलर में जो है वो कट और कोगुलेशन दोनों होता है। तो हमने क्या है यहाँ पे देखिए डबल पैड कर रखा है, यानी कि जो येलो है उससे कट होता है और जो ब्लू होता है उससे कोगुलेट होता है। और कॉटरी पेंसिल जो आती है उसमें जो है एक येलो बटन होगा, एक ब्लू बटन होगा, तो येलो से कट होता है और ब्लू से कोगुलेट होता है। तो यहाँ पे जो है पैडल्स भी होते हैं जिसे आप पैर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और हाथ से करना है तो उसके लिए कॉटरी पेंसिल होगी, ठीक है। तो मेनली यही हमारा यहाँ से करना होता है। और अगर यहाँ से देखिए स्विच करना चाहें, अगर दो पैडल, एक पैडल जिस पर आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ से रिटर्न हुई, अगर मोर पे जाएँ तो यहाँ पे देखिए और भी पैडल का है कि बस आपको ब्लू का चाहिए तो इन्फो पे चाहिए तो पूरा आप इन्फो ले सकते हैं। फिर यहाँ से रिटर्न हो जाइए, ठीक है। तो मेनली ये हमारा है। अगर गाइड प्रोग्राम में देखें, अगर यहाँ से रिटर्न करें तो यहाँ से हमारा जो है बाईपोलर पे जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने मोनोपोलर देखा था, अगर बाईपोलर देखना है तो बस इसमें देखिए कट नहीं रहता, बस कोगुलेशन रहता है। कोगुलेशन में आप इफेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेनली ये जो कॉटरी मशीन है इसी तरह से हम लोग इसे मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर डॉक्टर कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, करने के लिए कुछ कह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गाइड प्रोग्राम करके आप मोनोपोलर, बाईपोलर कुछ भी सेट कर सकते हैं। और अगर सेट करने के बाद मोनोपोलर पे किए तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट है, तो कम ज़्यादा करने के लिए बटन दिया गया है, रिटर्निंग के लिए भी है, ये पावर कम ज़्यादा करने के लिए है, यहाँ पे देखिए पैडल के लिए है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार देख लेते हैं ये मशीन तो बहुत ही आसानी से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लेट होती है, इस तरह की कॉटरी प्लेट आ रही हैं अब, तो इस तरह का क्या होता है कि कॉटरी प्लेट है, यहाँ से कनेक्शन होता है। तो ये जो ग्राउंडिंग पैड होता है मेनली ये क्या होता है, अर्थिंग का काम करता है। पेशेंट के जहाँ भी हाईली वस्कुलराइज्ड एरिया है, मसल वाले एरिया है, वहाँ पे ये रखे जाते हैं ताकि पेशेंट को भी जो है अगर बोनी प्लेस पे रख दिया जहाँ हड्डी है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे उसे जो है शॉक लग सकता है, ठीक है, वहाँ ब्लैकनेस हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ इसे कहाँ रखते हैं, जहाँ पे मस्कुलर एरिया है, हाईली वस्कुलराइज्ड एरिया है। तो ये देखिए जो न्यूट्रल का है, यहाँ पे न्यूट्रल प्लेट कहते हैं, ग्राउंडिंग प्लेट कहते हैं,
क्वार्टरी प्लेट कहते हैं। यहाँ से कनेक्शन होता है इसका, यहाँ पे देखें तो यहाँ मोनोपोलर के लिए है, यहाँ पे बाईपोलर के लिए कनेक्शन होता है। ठीक है, तो मेनली यही हमारी क्वार्टरी मशीन है, इसमें और ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस यही होती है इसमें। और अगर एपीसी देखना चाहे तो ये मेनली लीवर और किडनी के केस में होता है, और ये बहुत ही रेयर होता है। अगर वैसी ट्रांसप्लांट वगैरह हो रही है, वैसी केसेज हो रही हैं, तब इसका यूज करते हैं, नहीं तो मोस्टली जो ये कॉमन सी चीज़ें हैं वो इतने ही हैं, इतना से ज़्यादा कुछ नहीं जाना। तो आई होप ये क्वार्टरी मशीन का जो टॉपिक है, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।